जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम क्लास टेंथ का सेकेंड हिंदी का चैप्टर नंबर 4 लाए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है नगर। तो नगर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2018 में पूछा गया था, फिर 18 और 19 में पूछा गया था, तो यही सब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोग को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जितना भी आप लोग को 31 क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे उसमें आप लोग को 31 में कितना सही जाता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग को एक तो सूचना देना है कि अब बहुत कम ही बचा है 1K में, तो 1K आप लोग कम्प्लीट कीजिए। उसके बाद आप लोग के लिए एक बड़ा सा ऑफर आएगा, उसमें नंबर बूस्ट करना, मतलब कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा नंबर किस तरह से इतना ही अचानक बूस्ट कर दिया गया है। तो आप लोग 1K कंप्लीट कीजिए, जब तक हम इधर कंप्लीट करेंगे 1K का ऑफर का। तो हम चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है, तो आप लोग बोलिएगा तमिल में। कौन सा में, तो तमिल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है। नगर कहानी के कहानीकार कौन है, तो आप लोग बोलिएगा सुजाता। आप लोग बोलिएगा सुजाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है, तो आप लोग बोलिएगा पापती। आप लोग बोलिएगा पापती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है, इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। इस कहानी में किस भयानक बीमारी बोले या रोग का जिक्र किया गया है, तो आप लोग बोलिएगा मेनिनजाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले दिन पापती को क्या था, तो आप लोग बोलिएगा बुखार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पापती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सी शहर लेकर गई, तो आप लोग बोलिएगा मदुरै। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पापती किस पर लेटी हुई थी, तो आप लोग बोलिएगा स्ट्रेचर पर। क्या पर, तो स्ट्रेचर पर, जो जिस पर मरीज अस्पताल में रहता उसी बोलते हैं स्ट्रेचर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पापती को क्या हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा मैंने जाइट्स। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे शुरू वाला क्वेश्चन हम देखे थे, मैंने जाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ बोल रहा है, पापती कहानी का पात्र है, तो कौन सा है, तो आप लोग बोलिएगा नगर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पापती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो आप लोग बोलिएगा तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो आप लोग बोलिएगा सुजाता। ऑप्शन नंबर बी सुजाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, I want that girl admitted now किसने कहा था, तो आप लोग बोलिएगा बड़े डॉक्टर ने। बड़े डॉक्टर ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऐसा, एस रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो आप लोग बोलिएगा सुजाता। देखिए ये 2018 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, और ये कन्फर्म है कि 2024 में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वली हम्माल किस गाँव से आई थी, तो आप लोग बोलिएगा मुनाडिपेटिट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा मदुरा। आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मदुरा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
को किस रूप नंबर वाले कमरे में जाना था? बलील अम्माल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो आप लोग बोलिएगा 48 रूम नंबर, ऑप्शन नंबर सी 48 रूम नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप में मापा जाता है, स्टेथोस्कोप में मापा जाता है, ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप में मापा जाता है हवा की गति या मोटर की गति या हृदय की गति या वायुयान की गति? तो आप लोग बोलिएगा हृदय की गति स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग बोलिएगा सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वलील अम्माल के लड़की का नाम क्या था? तो आप लोग बोलिएगा पापती। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पापती का नाम, पिताजी का नाम तो वलील अम्माल था, ठीक है। यूनानी लोग मदुरे को कहते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि मेदोरा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, मेदोरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो महंगाई के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, महंगाई के विरुद्ध। चलिए ऑप्ट लमस्कोप है। तो आप लोग बोलिएगा आँख देखने का मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबी कतार देखकर वलील को किस पर गुस्सा आया? तो आप लोग बोलिएगा मृत पति पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस का संबंध है। तो आप लोग बोलिएगा बुखार से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा? तो आप लोग कहिएगा मेट्रेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोग की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग बोलिएगा मदुरई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो आप लोग बोलिएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पापती कितने साल की थी? तो आप लोग बोलिएगा 12 साल की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वलील अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापती को लेकर मदुरई जाने को कहा? कहाँ को बोले थे? तो गांव के डॉक्टर जी बोले थे कि यहाँ इन्हें पापती को ले जाओ, कहाँ? तो मदुरई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगा राजन। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग 31 में कितना सही किए ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।